किसानी मंच ने हर किसी नूं मंच दिता अपनी गल रखण दे लई, एक एकता भी दिती अते एक बराबरता दा नारा भी दिता। यही वजह कि अज चाहे असी कलाकारी दी गल कर लिए, चाहे असी किसी भी किते दी गल कर लिए, किसी भी वर्ग दी गल कर लिए, हर कोई इस दर्द दे नाल अपने आप नूं जुड़िया होया महसूस कर रहा है। और लगातार जो साडे समाज दे सूझवान बाशिंदे ने इस मंच ते आ के कोशिश कर रहे ने कि होर जागरूकता लियांदी जावे अते इस मुद्दे नूं होर जड़ों फड़िया जावे, इसनों समझिया जाए तो इसका हल भी कढ़िया जाए। अज मेरे नाल एक इस तरह के सूफी गायक मौजूद ने जो लगातार इस किसानी अंदोलन नेड़ियों तकन की कोशिश के नेड़ियों तक रहे ने, इनू जानन समझन की कोशिश कर रहे ने। शाह नवाज खान मेरे नाल ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे, उन्हां दे कोलों जाणांगे किदां दे इत्थों दे तजर्बे रह रहे हैं। जी शाह नवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सब तो पहला तो ही रोजाना स्पोक्समैन प्यार भरी सत श्रीकाल, उन्हां दे स्रोतियां भी प्यार भरी सत श्रीकाल। परमात्मा तुहाडी बहुत ही चढ़दी कला रखे जी। दास गुलाम शाह नवाज खान बिल्ली जर्ग जी अते मेरे बड़े भरा बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े मैनू इत्थे लैके आए ने, गीतकार बिल्ला लसोई जी। सो किन्ने दिन तो तुसी इत्थे रह रहे हैगे हो? जिस तरह किसानी मंच ते असी देख रहे हां नौजवान शाम नूं अपनी महफिल लाउंदे ने, अपने जो उहनां दे दिल दे वलवले हुंदे ने उहनां नूं गाउंदे ने, कि तुसी भी इत्थे जिवें सूफी गायकी नाल जुड़े होए हां ते की तुहाडियां भी महफिल लग रही है? देखो जी, महफिलां हजे तां सूफी भी नहीं ला सकदे असीं, क्योंकि सानूं सोख ही इन्ना भयानक दित्ता होया सरकार ने, क्योंकि साडे नौजवान भरा मर रहे ने इस संघर्ष के। मैं हजे समझदा भी आपां उस अल्लाह ताला दा और वाहिगुरू का राम का नौ लैण का वेला, ना कि कोई महफलां लाउण दा कोई। मैं तां बेनती करदा जिहड़ा उरे यूथ आउंदा, साडे नौजवान भरा आउंदे ने, उह बजुर्गां दे कोले बैठो, कोई शिक्षा लाओ चंगी बजुर्गां कोले बैठ के, इहनां दे नाल दुख सुख दीआं गल्लां करो, क्योंकि किसान अपने माँ प्यो ही ने, बजुर्ग ने, उन्होंने खेतों के काम करे अते तुसी भी करते हो अते करते रहोगे, क्योंकि उरे कोई जात पात करके नहीं आया हुआ। मैं दसना चाहना भैन जी भी उरे कोई जात पात करके नहीं आया हुआ, उरे सारे इंसानियत नाते आए हुए हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई उरे भाई भाई बन के आए हुए ने। मैं सब तो पहला मोदी सरकार नूं बेनती करदा हथ बन के भी ये जिहड़े काले कानून ने ये रद्द किए जाण, क्योंकि देखो ये साडे किसान ने, अन्नदाता ने, असी मजदूर हाँ, जे किसानां दे घरे आऊ तां ही मजदूर खाणगे, जद इन्हां दे घरे नहीं आउणा तां सानू किहने पुछणा जी, जलो इन्हां दे किसानां दे घरे नहीं आउणा तां सानू किहने पुछणा जी। मैं सरकार नूं ये बेनती करना, क्योंकि देखो जी एक गल आ, जो मैनू शुगर आ मैनू, तुसी बार बार मैनू मिठा दोगे मैं मरूंगा ही, क्योंकि डॉक्टर ने मेरा बंद किया है भी तो मिठा ना खाना ना मिठा पीना घोल के, फिर मैं मरूंगा ही। उही काम मैं सरकार नूं बेनतियां कर रही ने, साडे किसान भाई भी जिहड़े काले कानून ने रद्द कर दे, गल मुक गई, तुसी रद्द कर दो मोदी साहब, असी खुशी खुशी अपने घर नूं जाइए, क्योंकि साडे गुरुआं ने भी पहला जंगा फतेह करिया ने, ये जंग भी शरदा नाल नाले सारे भाई बैठे ने, प्यार नाल बैठे ने, शांति नाल बैठे ने, अते मैं कहना भी पूरी दिल्ली उरे आके बाबे नानक का लंगर खाँदी है, किसी नूं कोई उरे जवाब नहीं लंगर तो, ये सत्कार दे रहे ने, दिखा रहे ने पंजाबीयत, पंजाबी प्यार कर रहे हैं, ये प्यार नूं समझो मोदी साहब, ये बिलां नूं रद्द करो, असी खुशी खुशी अपने माँ प्यो बजुर्गों नूं लैके घर जाइए। हुण तक तुसी सूफी रंग गाए आ, तुहाडी गायकी दे उत्ते इस अंदोलन का की असर होएगा? देखो जी, पहला तो मैं बेनती करदा, चलो बहुत भरमा हंगारा दिता मेरे भरावां ने, कलाकारां ने, बड़े ने, सीनियर ने, असी उन्हां दे बच्चियां वर्गे हैं, उन्हां तों भी कोई शिक्षा लैंदे हैं, जिन्होंने किसानी के गाने गाए ने, मेरे बड़े भरा बिल्ला जी दसदे हुंदे ने भी किसानी के मुद्दे से तकरीबन हुण तां 30-35 गाने आ गए होणगे जिहड़े सुपर हिट गए ने, जिन्होंने यूथ नूं भी समझाया
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਗਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਭਰਾ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, 4 ਦਿਨ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਮੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਸੋਝਵਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਡੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਨਾ, ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 3ਜੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਖਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਪ ਧੋਣੀ ਹੈ ਜਾਤੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਕਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
बड़े बड़े दरबारों च देखते हैं उन्होंने सरूप लगे हुए वो तीन ही भाई से बाबा मरदाना जी बाला जी गुरु नानक देव जी क्योंकि भाई क्यों सी भाई क्यों सी एक गल मैं थोड़ी जी वह भी दस के मैं खेती वाल भी आना दोबारा फिर भाई क्यों सी सवा दस साल बाबा मरदाना जी गुरु नानक देव जी महाराज तो उम्र च बड़े से भाई का रुतबा गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता मरदाना जी असी उन्होंने बरादरी हाँ असी उन्होंने बच्चे हाँ जिहड़ी बाबा मरदाना जी जी की जात सी उही बरादरी मेरी है मैं उन्होंने बच्चा कई लोग कहने होंगे ने तू उन्होंने वारसा चो हाँ मैं उन्होंने वारसा चो मैं बाबे मरदाने के वारसा चो जिन्हों का जन्म दिहाड़ा आ रहा तकरीबन 5 तरीक का दूजे महीने की वो जरगों मेरे हिसाब नाल तां भी पहले ही नगर कीर्तन होगा उन्होंने भी जिहड़ा शोभा यात्रा निकल रही है पिंड जरग जिला लुधियाना बाबा मरदाना जी का 5 तरीक न दूजे महीने की नूं जिहड़ी खेती की गल कर रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज ने हल चलाए ने खेतों के अन्न बाबे नानक का खा रहे हैं जिहड़ा उन्होंने 20 रुपये का लंगर लाया थी वह कदे मुक्कना नहीं बड़ी बड़ी दुनिया आके बड़िया उरे सीआईडियां छड़ियां ने भी यह लंगर कित्थों आउंदा ओ महाराज ओ लंगर का 20 रुपये वाला नहीं मुक्या दुनिया तो इहदा बाबे नानक दियां फौजां पता नहीं कित्थे कित्थे बैठियां ने इहदा बाबे नानक दियां फौजां पता नहीं कित्थे कित्थे बैठियां ने अज पता नहीं किन्नियां कु कंट्रियां बाबे नानक दियां फौजां चला रही हैं अज पता नहीं किन्ने क उरे जिन्ने लोग आए हुए ने मैं तो धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना भी उन्होंने चल 20 रुपये का लंगर लाया हो नहीं मुकया है जी जेडे उरे सीआईडियां करते फिरते ने भी ये कित्थों आउंदा ये कित्थे मका लोगे तुसीं महाराज ये बाबे नानक की स्थापना मिली हुई है इन्हां नूं है जी जदों मैं वह मजदूर भाइयों भी बेनती करदा जेडे घरां दे विच बैठे ने वह भीरे जागो बेला जागण दा आया होया क्योंकि जिहड़ियां कट्टर सरकारां हुंदियां ने कई बार दिलों से फर्क पा दिंदियां ने दिलों से फर्क पवा दिंदियां ने भी यार तैं उत्थे की करना जिवें मैनूं भी सवाल कीते थी कईआं ने यार तेरे कोल बिघा जमीन दा नहीं तू उत्थे जाके की करेंगा भी तू उत्थे जाके की करेंगा यार मेरा जमीर तां हैगा जिहड़ा इन्हां दे घरे आऊगा तां ही साडे आऊगा क्योंकि जिहड़े एडे एडे घराने दस रहे ने डर नहीं हैगा एक डर ही हुंदा जदों कोई माँ की पुत गोद चुके ना पुत नूं खिच लवे फड़ के गर्दन तो उदों माँ नूं डर ही हुंदा हुंदा भी ये की कर रहे भी ये मेरे पुत नाल की कर रहे उदों माँ नूं तां डर ही होगा ये उही कुछ आ ये होर की आ वो जिहड़े अज मजदूर भाई घरां च बैठे हो वीरे जागो एक मैं छोटा जिहा सरकार दा धन्नवाद भी करदा जिन्हां ने आ जात पात का सारा कुछ खत्म ही करता और सांझ दिखाई है जिहड़ी एकजुट दिखाया क्योंकि जिहड़ा भी उरे कोई जात पात करके कोई नहीं एवें पहला भी कहा क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई अमरेलकोट लिया का लंगर देखो किड्डा लग्या है जी शेर खान जी नवाब उहदे वारस बैठे ने वो लंगर लाई बैठे ने बहुत दुनिया बैठी मैं बहुत घूमे हाँ पर मैं बेनती दोबारा फिर करदा भी वीरे अज बेला जागण दा आओ मोदी साहब दोबारा तुहानू फिर बेनती करदे भी सानू जिहड़े साडे बणदे हक ने दे के सानू घरे भेजो महाराज असी खुशी खुशी अपने घरां नू जाइए अते हसदे खेडदे जाइए एक बहुत वधिया किसानी दा गाणा सुनाउण लगे आ जिहड़ा थोड़े दिन होए ने रिलीज़ करिया म्यूजिक डायरेक्टर जी गुरी जी ने मेरे बड़े भरा ने बिरला रसोई की कलम का लिखा हुआ शिंगारा हुआ गीत आ ये पहली कोशिश है जी मेरी एक पहला मेरा गाना किसानी लई है अते मैं अपनी पीढ़ी नूं यही कुछ सिखाऊंगा भी धीआं भैणां वाले गाने गाउणे जिथे मेरी माँ भी बैठ के सुने मेरी धी भी सुने मेरा पुत भी सुने अते गुरुआं दे होर कोई गाना नहीं होगा सानू नहीं पता मिर्जा कौन सी सानू नहीं पता हीर कौन सी क्योंकि मैं पहला भी यह गल करी आ मिर्जा हर एक कहंदा मिर्जा मिर्जा मिर्जा
मिर्जा वो जलों घर फिर धी जन्म लेंदी है उन्होंने फिर हीर कहा किसी ने कदे आज तक कोई चैलेंज करके दसे उंगली खड़ा खड़ी करके भी मेरे घर धी ने जन्म ले लिया जी मेरे घर धी ने अवतार ले लिया जी हीर ने कह दू कोई नहीं कह सकता पुत जमे मिर्जा धी जमे फिर हीर ना मैं बेनती करदा इन्हों छो ये पता नहीं कौन सी कौन नहीं सी सानू नहीं कोई महत्वल पंजाब नू सेध दो चंगी चंगा गाओ धियां भैन वाले गाओ पंजाब नू वधिया सेध दो अते मैं हुण तुहानू गीत दे दो बोल सुणाउण लग्गा जी ओ बड़े बड़े बैरीगेट रख दिते तोड़ के आए चुल्हियां दे कम लैके पत्थरां नू रोड़ के ओ तेरे पादा गया सी थक दिलिए ओ तेरे पादा गया सी थक दिलिए नी असी जावांगे जावांगे करां नू लैके हक दिलिए नी असी जावांगे गोले पानी सड ते चलाई सी तू दिलिए नी करती लगाम तेरी दिना बिच टिलिए रखती करा के तेरी बस दिलिए नी असी जावांगे जावांगे करां नू लैके हक दिलिए नी असी जावांगे वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह जे दास तो कुछ गलत बोलिया गया वे माफ करियो जी मेरा मलबई किधर का काम है जी बिल्ला ढोली गागा जरग धन्यवाद जी तुहाडा तो बहुत बहुत चैनल क्या बात यह जे मेहमान होने तो एंकर की वैसे लोड़ नहीं होंगी सारे तुम आप ही सारे दिल के जज्बात जोड़े तुम फोल ले अपने तो जिमें इतने तुम अपना समा बिता रहे हैं हर दिन किस तरह दिक्कतां तुम महसूस कर रहे हो कि इतने जोड़े बजुर्ग रह रहे हैं ज घर तो इन्नी दूर रह रहे हैं किड़े दौर चो निकल रहे देखो जी मेरे भैन भरा चलो देख रहे हैं जिन्होंने तुम्हें पता ही है जिन्हें गलत कहना उन्हें कही देना उन्होंने आदत होंगी उन्होंने हटा भी नहीं सकते पर जोड़े चंगे इंसान होंगे ने जिन्होंने ये गल् जी मैं बोलिया ने जा निकलिया होना देखिया हो मैनू कदे भी गलत नहीं कहू वो मैं कदे भी नहीं गलत कहू जिदा जमीर हो मैं कदे गलत ही नहीं कहू ये जड़े मातावान ने साडिया बैठिया ने इन्ह बारे मैं की दसूँगा मैं तो हजे इन्हों तो सीखना हजे मैं पहली क्लास दाखिल नहीं होया इन्हों बारे मैं की दस सकता जोड़े बजुर्ग ने आ देखो इन्हों चिट्टियां दाड़ियां हो गई पता नहीं मैं इन्नी उम्र देखनी है मेरे पापा जी मैं दसते होंगे जी गल इतों मैं थोड़ा जहा भावक हाँ ये गलत वो मैं कहते होंगे जी पुत मैं भी घर कम कर लागी बने मेरी माँ ने कहा भी घर पोचा का कम कर पोचे लाए असी समा देखा है पर मैं इन्हों बारे कुछ नहीं दस सकता मैं तो सीख रहा जोड़ा यूथ आ उन्होंने भी कहा मेरे भाई ने मैं थोड़े ब्याह जाके गाना बजा थोतों ही मैं प्यार मिलता पर बाबा नानक सब की चढ़ती कला सो इस किसानी अंदोलन की जेकर जिमें असी कल एक कलाकार ना गल कर रहे थे वो कह रहे थे ऐ लग रहे कि रब वरत रहे क्योंकि हर कोई एक दूजे के दर्द के नाल जुड़िया होया सो इन दलों के भी कुछ इस तरह की भावुकता तुसी देखी है क्योंकि ये अपने आप नूं कीर्ति मानते ने अपने आप नूं जिहड़ा एक नारा मिले कि किसान मजदूर एकता जिसनों के पहला हमेशा वंडिया गया सीगा मजदूर वर्ग ते हमेशा अत्याचार होया पर किसानी दे विच दोवें बराबर दा मोढे ना मोढा जोड़ के मेहनत करते हैं फिर जाके फसल जिहड़ी आ पकदी आ ते फिर जिहड़ा हैगा अन्न राशन घरां नूं आउंदा आ सो दोवें ही फसल की सलामती मंगदे आ क्योंकि दोहां दा जिहड़ा खाणा दाणा आ उह इक्को थां दे नाल जुड़िया होया आ सो इह दर्द सांझा आ इत्थे भावुकता आनी बनती आ पर इस मंच ने उस दर्द को भी समझिया उसनों एक बराबरता भी दी है ये बहुत वड्डी चीज़ आ सो इस वेले साडे नाल शाह नवाज खान जी सिगे जो कि एक पेशावर गायक भी ने गाँवे भी ने सूफियाना गायकी दे नाल जुड़े हुए ने और लगातार इस किसानी मोर्चे दे विच किसान वीर जिस तरह ना इस संघर्ष को लड़ रहे बाकी दे कलाकार भी आ रहे पर इन्हां किसानां दे विच रह के इस संघर्ष को ज्यों भी रहे ते लड़ भी रहे ना कि सिर्फ संघर्ष नू देख के जा रहे हैं इहदे ते भाषण दे रहे ने पर इस संघर्ष दे विच रह के इसनू जी रहे ने यही वड्डी गल है क्योंकि इत्थों पता लगता है कि तुहाडा दर्द इन्हां नाल किन्ना क जुड़िया होया है
सो लोड़ है पंजाब नूं अजिहे कलाकारां दी जो वाकिया ही इन्हां लोकां दे विच रह के इन्हां दीआं लोड़ां नूं समझ सकण ते फिर उसे तरह की पाएदार गायकी जिहड़ी आ उह इन्हां दे सामने रख सकण। सो असीं भी कोशिश कर रहे हां अजिहे कलाकार जिहड़े वाकिया ही जिन्हां दे अंदर रूहां दे अंदर पंजाब वसदा उन्हां दे रूबरू तुहानूं करवाउंदे रहिए करवाउंदे रहांगे। जुड़े रहो रोज़ाना स्पोक्समैन टीवी दे नाल। फिलहाल मैनूं अर्पण कौर नूं सहयोगी कैमरामैन करणवीर बसरा ने दिओ आ गया। धन्यवाद।